A very warm welcome to all present in the class. Today we are going to start with the second major subtopic of your module 2, which is physicochemical properties of the drug molecules. Under this module, we will be studying some selected properties, nearly 4 or 5 properties of drug molecules. So, physical property of the drug, सबसे पहले इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. किसी भी ड्रग की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरलाइंग रीजन क्या होगा उसकी उस पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी का, वो होगा कि उसमें क्या स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन थी उनके मॉलिक्यूल्स की, एंड हाउ दोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, बाय विच फोर्सेस, what are the strength of that forces, कितना number of वो forces available है, basically उस structural constitution of molecule को मतलब maintain रखने के लिए जो भी intermolecular forces हमारे act करते हैं, they will influence कि हमारी क्या physical property होगी एक particular drug molecule की. ठीक है बच्चे, अगर मैं physical properties को divide करूँ कि किस किस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट हो जाती हैं बच्चे एडिटिव, सेकेंड आ जाती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव, थर्ड एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव. सो एडिटिव नाम ही बता रहा है क्या होंगी. एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एटम. हर एटम की अपनी प्रॉपर्टी, आप उसको ऐड करते रहोगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एटम अपनी कंट्रीब्यूशन देगा, और जो ओवरऑल ड्रग की प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी द एडिशन ऑफ ऑल द एटम्स जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कोट करते हैं. ठीक है बच्चे, सो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी जिसमें मेरा सम होगा कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, हर इंडिविजुअल एटम कैसे बिहेव कर रहा है, क्या इंडिविजुअल एटम किस तरह की प्रॉपर्टी उसकी इनहेरेंट उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसमें है. ठीक है, उसको हमने ऐड कर देना. फॉर एग्जांपल आपका मॉलिक्युलर वेट और मास ऑफ द सब्सटेंस, जब आप मास और मॉलिक्युलर वेट बताते हो किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल का, वो क्या होता है, इट इज सिंपल एडिशन ऑफ हर एटम का क्या मॉलिक्युलर वेट और मास है. ठीक है, दिस इज योर एडिटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड आ जाएगी बच्चे आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर. ये इंडिविजुअल एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कंसिडर करेगा, ये ओवरऑल आपके एटम्स किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट है और किस तरह के बॉन्ड्स उसमें हैं, दैट विल डिटर्मिन ये वाली प्रॉपर्टीज को ओवरऑल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें या रोटेशन की बात करें, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चे, थर्ड जो आपकी एडिटिव भी है एंड कॉन्स्टिट्यूटिव भी. एडिटिव मतलब आपके इंडिविजुअल एटम का सम है, वो इंडिविजुअल एटम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कैसे मतलब कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, प्लस किस अरेंजमेंट में वो मेरे एटम्स जो प्रेजेंट है इन दैट. इसमें एग्जाम्पल आ जाती है आपकी सर्फेस टेंशन. ये आप इजिली यू नो एक्नॉलेज कर सकते हो कि सर्फेस टेंशन मेरे इंडिविजुअल एटम की कॉन्ट्रीब्यूशन भी होती है और किस अरेंजमेंट में वो एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना. अगर मेरे एटम्स क्लोजली प्रेजेंट है, पैक्ड हैं, तो उनकी सर्फेस टेंशन डिफरेंट होगी. अगर उनके बीच में हमने एक दो एटम के बीच में हमने कोई थर्ड मॉलिक्यूल ऐड कर दिया विच इज यू नो डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियसली प्रेजेंट एटम, तो सर्फेस टेंशन चेंज हो जाए. सो एटम्स की इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस किस यू नो अरेंजमेंट में वो एटम्स प्रेजेंट है, दैट विल गवर्न द थर्ड कैटेगरी ऑफ माई फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो मूविंग अहेड, गिविंग यू अ ब्रीफ आइडिया कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर आपको किसी ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो आप क्या क्या उससे इंटरप्रेट कर सकते हो, क्या क्या उससे बता सकते हो. फर्स्ट, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ड्रग. कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, अगर आपकी ड्रग प्योर है तो उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट एक वैल्यू यू नो उस ड्रग की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी उस फिजिकल प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग. सो बाय सिंपली चेकिंग ऑन दैट वैल्यू जो आपके पास ऑलरेडी रिपोर्टेड है,
किसी ना किसी फॉर्म में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी ड्रग है. सेकेंड, यू कैन डिटर्मिन द पर्सन कंपोजिशन ऑफ अ ड्रग. अगर किसी मिक्सचर में वो ड्रग अवेलेबल है बाय चेकिंग और सम कंसेंट्रेशन, डिफरेंट कंसेंट्रेशन में वो ड्रग अवेलेबल है, तो आप सिंपली बाय चेकिंग एट दैट प्रॉपर्टी यू कैन यू नो गिव अ ब्रीफ इंडिकेशन कि किस परसेंटेज कंपोजिशन में वो ड्रग अवेलेबल होगी मेरे मेरे सैंपल में. ड्रग सिंथेसिस में ये रोल प्ले करती है. व्हेनेवर यू प्रोसीड विद सम सिंथेटिक प्रोसेस, तो सिंथेटिक प्रोसेस में आपको हर स्टेप पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली आपको अपने रॉ मटेरियल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज यू नो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्वेंट और अदर एजेंट्स जो है वो आपके यूज कर सकोगे. कई बार कुछ कैटलिस्ट या कुछ एंजाइम्स जो है वो पर्टिकुलर ऑप्टिकल रोटेशन वाले मॉलिक्यूल्स के साथ ही वर्क करते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपके रॉ मटेरियल्स कैसे हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उस अकॉर्डिंगली आप अपने रिएक्शन मिक्सचर और अपने सिंथेटिक पाथवे के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को प्लान करोगे. ठीक है, फर्दर आपके जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टाइम टू टाइम अगर आप नोट करोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी प्योरिटी में मेरे फिजिकल इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं सेकेंडली, और कितना रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो रहा है. ठीक है बच्चे, फोर्थ यू कैन इवैल्यूएट द ड्रग एक्शन इफ यू नो फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल सॉलुबिलिटी हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपकी यू नो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ये सब आपको पता होंगे तो आप इजीली इवैल्यूएट कर सकते हो कि मेरी कितना ड्रग कितनी ड्रग कितनी इफेक्टिवली एक्शन शो करेगी, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितनी ड्रग मेरी साइट ऑफ एक्शन पे रीच कर रही है ना. नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ अ डोजेज फॉर्म. डोजेज फॉर्म आपको आइडिया ही है अब तक, ड्रग की प्रॉपर्टीज सारी नोन होंगी, उसी अकॉर्डिंगली आप अपने एक्सीपिएंट सेलेक्ट करोगे एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल सेलेक्ट विच डोजेज फॉर्म यू आर गोइंग टू मेक फ्रॉम योर ड्रग. ठीक है राजे, लास्ट दीज प्रॉपर्टीज हेल्प इन एलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. अब कुछ प्रॉपर्टी हैं जो कॉन्स्टिट्यूटिव है, है ना, जो आपके एटम्स की अरेंजमेंट पे डिपेंडेंट है. सो उन प्रॉपर्टीज को अगर आप इजीली आइडेंटिफाई कर लो, मेजर कर लो, आप इजीली कुछ हद तक अपने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एलुसिडेशन भी कर सकते हो. आपकी जो गिवन सैंपल है उसमें सिस फॉर्म प्रेजेंट है कि ट्रांस फॉर्म प्रेजेंट है, बाय सिंपली मेजरिंग इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस सैंपल में कितनी सिस और कितनी ट्रांस फॉर्म प्रेजेंट है ना. तो आप स्ट्रक्चर एलुसिडेशन कर सकते हो अपने मॉलिक्यूल.